गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस. सो स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर गीता मैम. सो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत सारी मस्ती की होगी और हॉलीडे होमवर्क भी किया होगा, है ना बच्चों? तो बच्चों, अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस रीस्टार्ट हो गई हैं, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम पे ड्रॉप की थी क्लास. ओके, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5, फॉरेस्ट एनिमल्स. बच्चों पेज नंबर 26 पे आ जाइए और रीड कीजिए मेरे साथ. फॉरेस्ट एनिमल्स. फॉरेस्ट एनिमल्स कौन से होते हैं? फॉरेस्ट एनिमल्स होते हैं जो जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं, उन्हें हम फॉरेस्ट एनिमल्स कहते हैं. ठीक है, तो फॉरेस्ट आर होम टू मैनी एनिमल्स. जो जंगल होते हैं वो बहुत सारी जंतुओं और जानवरों के घर होते हैं. एनिमल्स दैट लिव इन डीप एंड थिक फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. तो एनिमल्स जो कि घने और बहुत ही ज़्यादा अंधेरे वाले जंगलों में रहते हैं, उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, जंगली जानवर कहते हैं. वी कैन सी सम वाइल्ड एनिमल्स इन द जू. तो हम बहुत सारे एनिमल्स को जू मतलब चिड़ियाघर में भी देखते हैं. बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम चिड़ियाघर में जाकर भी देख सकते हैं, और इन द नेशनल पार्क्स ऑल्सो. और बहुत सारे ऐसे ही वाइल्ड एनिमल्स को हम नेशनल पार्क्स में भी देख सकते हैं. नेशनल पार्क्स क्या होते हैं बच्चों? जो कि हमारे देश के पार्क्स होते हैं जिनमें बहुत सारे जानवरों को गवर्नमेंट रिजर्व करके रखती है, उनकी देखभाल करते हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके. जैसे लायंस, टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स, जिराफ, एलिफेंट्स, आउल्स एंड ज़ेब्रास आर सम वाइल्ड एनिमल्स. तो ये हमारे कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि आपको जू में भी दिखाई दे सकते हैं. ओके बच्चों, तो आई होप आपको फॉरेस्ट एनिमल्स समझ में आया होगा. फॉरेस्ट एनिमल्स कौन से होते हैं? जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं. ओके बच्चों, बिग एनिमल्स. बिग एनिमल्स मतलब जो बड़े बड़े जानवर होते हैं. सम एनिमल्स आर बिग इन साइज. ये साइज में कैसे होते हैं? साइज में बिग होते हैं. जैसे कि जिराफ. जिराफ भी बहुत बिग होता है. एलिफेंट. एलिफेंट तो आपने देखा ही होगा ना मूवीज में, ये भी कितना बड़ा होता है. लॉयन. लॉयन भी बहुत बड़ा होता है. वाइल्ड बफेलो, जो जंगली भैंस होती है तो वो भी बड़ी होती है. बियर यानी भालू. तो ये सारे हमारे बिग साइज के एनिमल्स हो गए. मीडियम साइज एनिमल. मीडियम साइज के एनिमल्स कौन से होते हैं? सम एनिमल्स आर नाइदर वेरी बिग नॉर वेरी स्मॉल इन साइज. तो बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और ना बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. तो इनका साइज कैसा होता है? इनका मीडियम साइज होता है. जैसे डियर यानी हिरन, फॉक्स यानी लोमड़ी, वॉल्फ यानी भेड़िया, हाइना एंड वाइल्ड डॉग. तो ये हमारे मीडियम साइज के एनिमल्स होते हैं. तो बच्चों, मीडियम साइज के एनिमल्स समझ में आ गए. अब हैं स्मॉल एनिमल्स. स्मॉल एनिमल्स कौन से होते हैं? सम एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज. तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि साइज में बहुत छोटे होते हैं. जैसे कि स्क्वेरल यानी गिलहरी, फ्रॉग, रैट, ऑक्टोपस. बच्चों ऑक्टोपस क्या होता है? इसके एट साइड, इसके एट लैग्स या फिर आर्म्स बोल सकते हैं. और फिश. तो ये कैसे होते हैं? ये स्मॉल साइज के एनिमल्स होते हैं. ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया ना आपको? अब बच्चों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल्स. तो सबसे लंबा एनिमल की अगर मैं बात करूँ तो
तो सबसे लंबा एनिमल कौन सा होता है? जिराफ। एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड। तो जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल होता है एलिफेंट। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। और पूरी अर्थ पर सबसे बड़ा एनिमल होता है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल क्या होती है बच्चों? ये पानी में रहने वाली एक मछली होती है। तो ये हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा एनिमल है। आया बच्चों समझ में आपको? है ना, अब करना है आपको होमवर्क। और होमवर्क में आपको क्या करना है? होमवर्क में आपको करना है, आपको लिखना है बिग एनिमल और फिर उसके नीचे इनकी लिस्ट लिखनी है, इन सारे एनिमल्स के नेम्स लिखने हैं। फिर आपको मीडियम साइज के एनिमल के हेडिंग लिखोगे, फिर आपको ये सारे मीडियम साइज के एनिमल्स के नेम्स लिखने हैं, ओके। और इसी तरह से आपको स्मॉल एनिमल्स के नेम्स लिखने हैं अपनी कॉपी में। तो इतना वर्क आपको अपनी कॉपी में अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।